सिलिकोसिस बीमारी की चपेट में आने वाले श्रमिकों को निजात दिलाने के लिए डांग विकास संस्था ने एक उपकरण तैयार किया है। मात्र 7 रुपए 10 रुपए की लागत से तैयार ये उपकरण फोम और टायर की रबर से बनाया गया, जिसे पत्थर फोड़ने वाली टांकी पर लगाकर उपयोग में लिया जाता है। इस उपकरण से बता दूं आपको कि श्रमिकों को खनन करने में डस्ट होने वाली सिलिकोसिस और साथ ही टीबी जैसी गंभीर बीमारी से छुटकारा मिल सकेगा। डांग विकास के संस्था ने इस उपकरण को तैयार किया जो कि खनन श्रमिकों को कई बीमारियों से राहत दिलवाएगा। संस्था ने हमारे कार्य दिया है, जब से मन को बहुत फायदा है, बहुत लाभ है इससे। और इससे क्या है, धूल मट्टी नहीं जाती है, इससे क्या है, धूल रुक जाती है और अमन को बहुत फायदा है इससे, हमारे नाक मुंह में नहीं जाती है। बहुत ही सामान्य, मतलब उसमें एक टायर, रबड़ का टायर और स्पंज लगा के और वो बनाया, जो खान मजदूरों के लिए जो धूल उड़ती है, जो 2 to 10 माइक्रोन की जो डस्ट है उसको उसमें मतलब कैच करती है वो डस्ट, जिससे उनको सिलिकोसिस में बचाव होती है। और वो जो धूल है वो कम से कम 50% जो डस्ट है वो उस यंत्र से बच रही है, जो वो बहुत आसान है और बहुत सस्ती दरों पर वो बन जाता है और हर मजदूर की पहुँच में है, इसलिए उससे जो सिलिकोसिस बीमारी